शहनाज हिंदुस्तानी की ताकत में आज एक नई चीज देखी। दो लाइन बोली और 14 बरस का बनवास टूट गया, सारे लड़के भाग करके बीच में आ गए। जब शहनाज बोल रहा था तो मैं देख रहा था ऊपर, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वहां छत पे एक दादी बैठी हुई थी। वो दादी ना ताली बजा रही थी गाने के साथ में, और मेरे को इतना मजा आ रहा था कि वाकई में किस जज्बे के साथ में ये उस आवाज को इकट्ठा कर रहा है जिस आवाज को इकट्ठा होने की जरूरत है आज। क्योंकि आज 10 तारीख है, आज पहली सुबह है जब ये उत्तराखंड, वो उत्तराखंड जो कोई 21 साल पहले उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद में, जिसमें महिलाओं का योगदान, महिलाओं की कुर्बानियां, युवाओं का शहीद होना, शहादतों की गाथा जिस आंदोलन से जोड़ी जाती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से इसलिए अलग हुआ क्योंकि उस टाइम उत्तराखंड, ये जो पहाड़ है, ये प्लेन के जो इलाके हैं, इस इलाके से जुड़े हुए, उन्हें लगता था कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमको वो जो मूल सुविधाएं हैं, जो एक समाज के अंदर जरूरतें होती हैं, वो उत्तर प्रदेश नहीं दे पा रहा है। और जब 21 साल पहले ये उत्तराखंड अलग हुआ तो सबके अंदर ना एक इच्छा थी, एक जज्बा था कि अब तो हमारी सरकार बनेगी, हमारी विधानसभा होगी, हमारे प्रतिनिधि होंगे जिनको हम चुन करके सरकार में भेजेंगे, हमारी समस्याएं होंगी और उन समस्याओं का समाधान हम ही लोग निकालेंगे। 21 साल हो गए। कल मैं भी मसूरी में गया था जहां पे शहीद स्मारक है, जहां पे कि जिन्होंने कुर्बानियां दी थी उत्तराखंड आंदोलन के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। तो कल ना बड़ा खुशी का दिन था। फिर मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार में साधु संतों के साथ बैठा, बड़ी अच्छी बातें हुई, खाली धर्म की नहीं कर्म की बातें भी। हमने ये संस्था यूथ फाउंडेशन खड़ी करी और इसमें से 12-13 हजार लड़के जब इंडियन आर्मी में गए, हमारे खाली अपने ही क्षमता से, तो हम जब सरकार में आएंगे तो ये 12-13 हजार क्या, ये तो 1,20,000, 1,30,000 लोग अलग अलग नौकरियों में जाएंगे। मैं देखता हूं, जैसे आज इन लड़कों को देख रहा था, कि किस प्रकार की हमारे अंदर एनर्जी है। थोड़ा सा उस एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। अब जब ये बात आई कि पॉलिटिक्स में जाना है, तो मेरे को एक और भी चीज समझ में आई, क्योंकि मैं समाज से काफी इंटरेक्ट कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, कि वैसे वाली पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं हो सकती कि जहां पे ना, जैसे कहते हैं मेरे को, बल्कि सुल्तान साहब बैठे हैं वहां पे, जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट गया था तो ये मेरे को पीटी के अलग अलग तरीके सिखाते थे। एक तरीका होता था उठक बैठक, हंसी मजाक खेलते खालते कैसे उठक बैठक करते हैं और उससे ना शरीर मजबूत होता है, जैसे फौज में ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर उठक बैठक अपने शरीर को मजबूत करने के लिए करनी है तो सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम करनी चाहिए। लेकिन अगर उठक बैठक इसलिए करनी है कि यहां से जाओ केंद्र सरकार दिल्ली के पास में, 20 दिन तक सीनियरों के सामने उठक बैठक करते रहो कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, पांव जोड़ रहा हूं, मेरे को टिकट दे दो, मैं इतने पैसे लगा दूंगा, मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, मैं वहां पे 20 दिन एक कमरा किराए पे रहूं, वैसे वाली उठक बैठक मेरे को दिखा कि मेरे बस की नहीं है। और जब मेरे को लगा कि वाकई में बगैर उठक बैठक के जो उत्तराखंड के जो मूल समस्याएं हैं उनको पूरा करा जा सकता है, समस्याएं जैसे रोजगार, जैसे स्वास्थ्य, जैसे शिक्षा जो यहां टूट रखी है पूरी, बिजली पानी जो उत्तराखंड से जाता है और बाहर और जगहों पे फ्री हो सकता है लेकिन यहां पे उसको दुगना हम पेमेंट करते हैं, तब मेरे को लगा कि ऐसी पार्टी जहां बगैर उठक बैठक के समझदार लोगों के साथ में आप उत्तराखंड के जो सुलगते सवाल हैं, जो 20-21 साल पहले आंदोलनकारियों ने खड़े करे थे और आज वो कुछ नहीं हो रखा है, उन सवालों को पूरा करने के लिए वो पार्टी जिसने अपने को साबित करा है, आम आदमी पार्टी, मैंने वो पार्टी ज्वाइन करी। और वो पार्टी ज्वाइन करने के बाद में आज हम एक जज्बे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हम उत्तराखंड के नव निर्माण की परिभाषा हर इंसान को, हर जनता के लोगों को समझाएंगे कि हम वाकई में क्या लेके चलते हैं। अगर हम देखें कहीं पे भी हम जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे बड़े बड़े होर्डिंग हो, उसमें क्या लिखा होता है, राजनीतिक पार्टी क्या लिखती है, मेरे को ये चीज करनी है, तो पार्टी क्या लिखती है उसमें, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद आपने हमारे उत्तराखंड में ये कर दिया, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद आपने जो है यहाँ पे
कोरोना के इंजेक्शन लगवा दिए। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, आपने आयुष्मान स्कीम यहाँ पे लगा दी। अगर प्रधानमंत्री जी का ही धन्यवाद करना है तो फिर हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, क्या वो इतने कमजोर हैं कि वो कुछ अपना सोच भी नहीं बना सकते? क्या वो सोच दिल्ली से आनी चाहिए, केंद्र से आनी चाहिए? मूलभूत सोचें यहाँ की हैं, उसे आगे रखने की हमारी क्षमता ही खत्म हो गई। तो मैं तो इसको ना इस तरीके से लेके चलता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस साफ बता रही है जनता को कि देखो हमारे बस का नहीं है, जो कुछ होगा मोदी जी करेंगे, जो कुछ होगा केंद्र करेंगे। उस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे तरीके से अपने जो काम करने के तरीके हैं, अपने जो मुद्दे हैं, कैसे वो जनता में जाकर के समझा रही है कौन पॉलिटिकल है। अरविंद केजरीवाल जी को अगर कोई देखे, एक आदमी जिसने आईआईटी से, मतलब आईआईटी सबसे ऊंची होती है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग करी है आईआईटी खड़गपुर से, उसके बाद उसने समाज सेवा करी। समाज सेवा कहां पे करी? मदर टेरेसा, जिसको कि देवी बोलते हैं, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उसके आश्रम में। उसके बाद सिविल सर्विसेज का आईएएस का एग्जाम निकाला और उसके बाद वो रेवेन्यू सर्विस में नौकरी करने के बाद आज वो पढ़ा लिखा आदमी अकेला, पता नहीं कितनी चीजें झेलने के बाद में, कितने उसके पीछे पड़े, उसने वो पार्टी तैयार करी है जो दो बार पूरी सत्ता, पूरी अपनी जो जरूरत होती है विधायकों की, उसके साथ में सत्ता में आई और उसने वो मुद्दे साबित करके दिखाए, कामयाब करके दिखाए, जिनकी हमको जरूरत है उत्तराखंड में। हमें लगता है क्या हमारे बच्चों को आईआईटी एग्जाम से पास नहीं करना चाहिए? क्या हमारे बच्चों को आईएएस रेवेन्यू में नहीं जाना चाहिए? क्या हमारे बच्चों को कर्नल अजय कोठियाल नहीं बनना चाहिए? हम सबकी इच्छा होती है और क्योंकि हम सबकी इच्छा है तो इसमें ना आज वो वक्त आ रखा है जो 90-100 दिन बचे हुए हैं। इन 90-100 दिन में हमें जरूर, जो भी हमारी सोच है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की, लेकिन हमें एक बार अच्छे तरीके से सोच करके, समझ कर करके और आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर इस बार चेंज नहीं आया तो मैं जरूर समझता हूं एक समझदार इंसान की तरह कि हमेशा के लिए उत्तराखंड जो डूबता हुआ जहाज है वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, दोबारा ना वो ठीक नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी की जो सोच है उसे मत बदली करो, लेकिन अगर आज पॉलिटिकल पार्टीज अपने को साबित कर रही हैं कि हम नहीं कर सकते तो जरूर हमें कोशिश करनी चाहिए परिवर्तन लाने की। इसे बोलेंगे उत्तराखंड नवनिर्माण। आपको सिंपल सा उदाहरण दूंगा, अब इलेक्शन को 90-100 दिन बचे होंगे, आजकल सब देख रहे हैं क्या खबर है, खबरें क्या चलती हैं राजनीति में, कौन सी पार्टी से टूट करके दूसरी पार्टी में कौन जा रहा है, कौन दिल्ली के चक्कर मार रहा है, किसकी सेटिंग किस पार्टी से हो रही है। दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस के जो आला जो पॉलिटिशियन है यहाँ के, वो चिंतित हैं, उनके ऊपर दबाव है उनके केंद्र का कि तुम यकीन करो तुम्हारा कोई विधायक या विधायक के जितना काबिल बनने वाला प्रतिनिधि टूट के बीजेपी में ना चले जाए। बीजेपी का चल रहा है, उनके अपने आला कमान को आदेश है ऊपर से, तुम्हारे यहां से टूट करके कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस से टूट के बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से टूट के कांग्रेस में जा रहे हैं, और इसलिए क्योंकि अब 5 साल पूरे होने वाले हैं तो एक विधायक कैसे जनता के पास जाएगा सामने और बोलेगा कि 4.5 साल तो मैं कुछ कर नहीं पाया तो क्या मेरे को वोट दो? तो वो क्या करेगा, कांग्रेस वाला बीजेपी वाला कांग्रेस में चले जाएगा या कांग्रेस वाला बीजेपी में चले जाएगा और जाने के बाद में फिर जनता के सामने जाएगा कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं बीजेपी में था वहां पे ना। तरतीब बार सारे केस हार गया है वो यूपी से। अगर उत्तराखंड में बिजली और पानी सबसे ज्यादा हो रहा है और ये दिल्ली जैसी जगह खरीद रही है और उसके बाद जनता को दे सकती है फ्री बगैर किसी टैक्स को बढ़ाए, तो इसमें ना कोई सोचने की बात ही नहीं है कि ये फ्री का जुमला या कुछ है, ये हक की बिजली है। इस हक की बिजली को तो हमें हमेशा यकीन करना है कि जनता को दिया जाए। और मेरे को सवाल आ रहे हैं इस पे, जब हमने बिजली का रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करा तो 300 यूनिट बिजली बोला, उसके बाद हमारे कॉल सेंटर से कॉल गई कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड ठीक है, आप उसको संभाल के रखना, जिस दिन हम पावर में आ रहे हैं उस दिन से आपका ये एग्जम्पशन शुरू हो जाएगा। तो वो पता है क्या बोल रहे हैं, कहते हैं मेरे घर में तो 180 यूनिट ही लगती है, तो अब 120 यूनिट जो बची हुई है क्या तुम मेरी काट दोगे वो बिजली? तो तब हमारे यहां से पूछा जा रहा है कि अच्छा तुम बताओ क्या करोगे, क्या करना चाहिए। वो कहते हैं जंगल में रहते हैं हम, आसपास झाड़ियां होती हैं, सांप बिच्छू होते हैं, घरों में घुस जाते हैं, शाम के टाइम पे डर रहता है
कि पता नहीं कहां से भाग आएगा, हमारे बच्चे को या हमारे जानवर को उठा के ले जाएगा। कहते हैं अगर 120 यूनिट जो एक्स्ट्रा हमको मिलेगी तो हम अपने घर के बाहर लगाएंगे ताकि एक सेफ्टी के मैकेनिज्म बने। मेरा बोलने का मतलब यह है कि लोगों के अंदर इच्छा जागरूक हो रही है। जब इच्छा जागरूक हो रही है तो हमें और ज्यादा लोगों को समझाना है। और आज यहाँ पे जो बैठे हैं, मेरे को पक्का यकीन है 90% वो लोग हैं, जैसे अभी वो लेटेस्ट काजल आई है, मेरे को पक्का यकीन है जो बैठे हैं यहाँ पे 90% वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और उसके बाद में सरकार में बदलाव आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर की मजबूरी, महिलाएं नहीं आ पाती हैं क्योंकि दिन के टाइम पे मेन काम उनका होता है। अभी मैं देख रहा हूँ जो मेरी दीदी, बड़ी छोटी दीदियां जो बैठी हैं यहाँ पे, वो भी बस इंतजार कर रही है कि कैसे खत्म हो, क्योंकि घर का भी काम है और वो छोड़ना भी नहीं चाह रही प्रोग्राम, मतलब दूध की बीज की दुविधा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमें उनके बीच में अपनी आवाज को लेकर के जाना है। और पक्का यकीन है कि आम आदमी पार्टी जिस भरोसे से आप लोगों से बात कर रही है और जो आप भरोसा करते हो कर्नल अजय कोठियाल के ऊपर, वो भरोसा ना पक्का बरकरार रहेगा, यकीन करता हूं इस चीज पे। आज सुबह गया मैं दोबारा सिद्ध बलि आशीर्वाद लेकर के आ रखा हूं। यहाँ पे एक और भी है, कण्वा आश्रम भारत राजा का जो जन्मभूमि है। देखो क्या इत्तेफाक है, हमारा यूथ फाउंडेशन का कैंप उसी कण्वा आश्रम के अंदर चल रहा है। आज उसमें कितने लड़के हैं जयवीर? 250 लड़के कण्वाश्रम के अंदर इस कोरद्वार भूमि में यूथ फाउंडेशन के ट्रेनिंग ले रहे हैं और तैयार हो रहे हैं इस काम के लिए कि जब यहां से भर्ती होंगे फौज में तो उनको मौका मिलेगा उस आतंकवादी को ठोकने का, जिसका कि बहुत अच्छा जज्बेदार एक्सपीरियंस कर्नल अजय कोठियाल ने लिया है। उनको मौका मिलेगा उन इलाकों में घूमने का जहां पे आम आदमी को ना, नॉर्मल इंसान को जाने का मौका नहीं मिलता। और अगर ऐसे काम करते हुए वो शहीद हो गए तो उनको मौका मिलेगा वापस देवभूमि उत्तराखंड में आने का, तिरंगा में लिपट करके। ये वो कण्वा आश्रम में ट्रेनिंग हो रही है इंडियन आर्मी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, और वो युवाओं में से काफी से यहाँ पे भी बैठे हैं और बाकी वहां काम कर रहे होंगे। मेरी किस्मत सिद्ध बलि आश्रम दुआएं, सिद्ध बलि मंदिर दुआएं, कण्वा आश्रम शाम को जाऊंगा, लड़कों को मोटिवेट करूंगा और उसके बाद इसी सड़क से गढ़वाल का जो असली एंट्री है उस पर आगे बढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया सर।